तो क्या है वो राज जिन वजह से यूट्यूबर्स को रिव्यू यूनिट्स या फोन के यूनिट्स पहले ही मिल जाते हैं लॉन्च के, और जैसे ही लॉन्च शुरू हो जाता है वो उसी वक्त उन वीडियोस को अपलोड कर लेते हैं, तो किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या कंपनीज उन्हें कॉल करती है या वो कंपनी को कॉल करते हैं, किस तरीके से उन्हें मिलते हैं रिव्यू यूनिट्स, उन पर बातें करेंगे। तो हर कंपनी का एक बजट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ले लेते ABC, उनका बजट है 10 लाख का, तो वो पैसे PR एजेंसीज को दे देते हैं, PR एजेंसीज यानी कि पब्लिक रिलेशन एजेंसीज। अब इन PR एजेंसीज के पास कई सारे यूट्यूबर्स की लिस्ट होती है, जो टॉप यूट्यूबर्स होते हैं, जिनको कई सारे व्यूज आते हैं, जिनका कई सारा सब्सक्राइबर बेस है, उनकी लिस्ट होती है। वो 15-20 यूट्यूबर्स को मेल करते हैं और उन्हें रिव्यू यूनिट्स पहुंचाते हैं। अब अगर आपके पास 15 या 20 हजार सब्सक्राइबर है, तो आप सोच रहे हो कि PR एजेंसीज क्या आपको फॉलो अप करेगी और क्या आपको रिव्यू यूनिट्स देगी। तो PR एजेंसीज मोस्टली 1 लाख के ऊपर जिनके सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको रिव्यू यूनिट्स पहुंचाती है, उनको फोन के यूनिट्स देती है रिव्यू करने के लिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है पर आपको व्यूज आते हैं हर एक वीडियो पे वो है 5,000 या 10,000, तो उस तरीके से भी वर्क नहीं करने वाला है। तो PR एजेंसीज उन यूट्यूबर्स को नहीं देगी अपनी रिव्यू यूनिट्स। इंस्टेड PR एजेंसीज उन यूट्यूबर्स को ढूंढती है जहां पर ज्यादा व्यूज आ रहे हो, ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर्स हो, ज्यादा एंगेजमेंट हो, उस तरीके के यूट्यूबर्स को वो टारगेट करते हैं और उन्हें रिव्यू यूनिट्स पहुंचाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि रिव्यू यूनिट्स मिल जाने पर वीडियो बनाने के बाद उन्हें कितना पैसा मिलता है एक वीडियो बनाने का। ऑन दैट आई हैव हर्ड के अराउंड 10,000 रुपीज मिलते हैं 1 लाख व्यूज के ऊपर। कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे के बदले वो रिव्यू यूनिट्स ही दे देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एक वीडियो के जगह पर 3 या 4 वीडियोस बनाने बोलते हैं रिव्यू के। कई बार वो कंपैरिजन वीडियो बनाने बोलते हैं, इस फोन को कंपेयर करने बोलते हैं दूसरे फोन से। तो इस तरीके से वो अप्रोच करते हैं यूट्यूबर्स को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है कि किस तरीके से रिव्यू यूनिट यूट्यूबर्स तक पहुँचते हैं लॉन्च के पहले ही।